अच्छा बेटा, कल जो टॉपिक था वो ये सेम ही टॉपिक है, फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट द बैलेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम या ली चेटलर्स प्रिंसिपल। और कल भी आपने डिस्कस किया था कि जो बैलेंस ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम है, जब इक्विलिब्रियम बैलेंस है उसके बाद कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, इसको इफेक्ट कर देते हैं, इक्विलिब्रियम की पोजिशन को चेंज कर देते हैं, रिएक्शन को या तो फॉरवर्ड लेकर जाते हैं या बैकवर्ड। तो वो फैक्टर्स थे कंसंट्रेशन का, टेम्परेचर का और प्रेशर का, जिनमें दो फैक्टर कल हमने डिस्कस किए थे, एक कंसंट्रेशन का और एक प्रेशर का। ये बेटा दो फैक्टर्स थे वो हमने डिस्कस किए थे कि कंसंट्रेशन को चेंज करने से इक्विलिब्रियम पर क्या असर पड़ता है, प्रेशर को चेंज करने से इक्विलिब्रियम पर क्या असर पड़ता है, और इन सब फैक्टर्स को डिस्क्राइब किया था ली चेटलर्स ने। तो ली चेटलर्स प्रिंसिपल कहता है अगर कोई स्ट्रेस पड़ता है इक्विलिब्रियम पर कोई दबाव पड़ता है, वो दबाव कंसंट्रेशन की सूरत में भी हो सकता है, वो टेम्परेचर की सूरत में भी हो सकता है, वो प्रेशर की सूरत में भी हो सकता है, तो रिएक्शन मूव करेगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगी इन दैट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में जाएगी, व्हिच मिनिमाइज द इफेक्ट, ताकि इफेक्ट मिनिमाइज हो जाए, इफेक्ट रिड्यूस हो जाए, इफेक्ट कम से कम हो जाए, ठीक है, और दोबारा इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाए, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये जो डेफिनेशंस लिखी है बेटा, ये मुख्तलिफ बुक्स की है, मतलब एक फेडर के बुक में थी और एक पंजाब के बुक में थी, मीनिंग वही है, अगर देखेंगे तो मीनिंग वही है, मतलब उसका वही है, थोड़ा अल्फाज का फर्क होगा, बाकी मीनिंग उसकी वही है, मफहूम जो निकलता है उसका, सेंस जो निकलता है वो एक जैसा है। अब देखो पहले जो डेफिनेशन है ये है फेडर की बुक की, ये कहता है इफ ए चेंज इज इम्पोज, अगर सिस्टम में कोई चेंज लाते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम में कोई तब्दीली करते हैं, मतलब कंसंट्रेशन चेंज कर देते हैं, टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं, प्रेशर को चेंज कर देते हैं, इफ चेंज इज इम्पोज ऑन ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, एक चेंज इम्पोज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग, चेंज इम्पोज कर रहे हैं सिस्टम पे जो इक्विलिब्रियम पे है, द पोजिशन द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, इक्विलिब्रियम की पोजिशन क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी इन दैट डायरेक्शन व्हिच टेंड्स टू रिड्यूस द चेंज, ताकि चेंज रिड्यूस हो जाए, चेंज कम हो जाए, अगर कंसंट्रेशन को हम बढ़ाते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड क्यों जाता है, फॉरवर्ड इसलिए जाता है ताकि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन का असर है वो रिड्यूस हो जाए, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का असर कम हो जाए इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, जब हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड क्यों जाता है, ताकि प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन का असर है वो रिड्यूस हो जाए। तो ये कह रहा है अगर कोई चेंज इम्पोज करेंगे सिस्टम पे और सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो सिस्टम जो है इस तरह रिएक्ट करेगा और इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगी ताकि वो जो चेंज है वो मिनिमाइज हो जाए, चेंज जो है वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है, और दोबारा इक्विलिब्रियम रीस्टेब्लिश हो जाए। तो एक डेफिनेशन ये थी। सेकंड डेफिनेशन फेडलर की बुक के, सॉरी पंजाब से है, कि इफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब भी वही दबाव है, इज अप्लाइड, उसको अप्लाई करते हैं टू ए सिस्टम, सिस्टम पे एट इक्विलिब्रियम, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, द सिस्टम एक्ट इन सच ए वे, सिस्टम इस तरह रिएक्ट करेगा, सिस्टम इस तरह एक्ट करेगा सो एज टू नलीफाई द चेंज, ताकि वो जो चेंज थी वो रिड्यूस हो जाए, वो चेंज कम हो जाए, ठीक है। एज फार एज द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेस, ताकि वो जो स्ट्रेस का असर है वो कम से कम हो जाए, जो स्ट्रेस था, जो दबाव था, उसका असर क्या हो जाए, कम हो जाए। तो मीनिंग इसकी ये भी निकल दिए, ठीक है। इफ कंसेंट ऑफ स्ट्रेस, ये सेम की बुक में भी है, कंसेंट का मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर, बेटा लस कंसेंट का यही मतलब है, कंसेंट या स्ट्रेस, कंसेंट का मतलब यही है कि चेंज इन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर इज अप्लाइड ऑन ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, उस सिस्टम पर अप्लाई करते हैं जो इक्विलिब्रियम पे है, तो क्या होगा, रिएक्शन विल शिफ्ट या इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन व्हिच मिनिमाइज द इफेक्ट, इक्विलिब्रियम उधर जाएगी ताकि इफेक्ट मिनिमाइज हो जाए। तो सबकी देखो डेफिनेशन मतलब मीनिंग वही निकल रही है कि अगर सिस्टम एक इक्विलिब्रियम पे है, उस पर दबाव डालते हैं कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर का, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में मूव करेगी ताकि दबाव से निकल जाए और दोबारा रीस्टेब्लिश हो जाए, और जो दबाव डाला है वो मिनिमाइज हो जाए, वो रिड्यूस हो जाए और दोबारा इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाए। तो अब देखो उसमें हमने फैक्टर्स पढ़े थे, एक था कंसंट्रेशन का,
देखो फिट आप कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन का सर अब इक्वेशन वही ले रहा हूं मैं जो फेडर के बुक में दी गई है वही क्वेश्चन समझा देता हूं बस, मगर कल मैंने आपको तफसील से समझा दिया था, आज सिंपली समझा देते थोड़ा कुछ। अब इक्वेशन ये है CO2 और प्लस है H2, क्या बनेगा CO बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस स्टीम बन जाएगा ये, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देखो बेटा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का सर तो बाय एडिशन ऑफ CO2 एंड H2, अगर CO2 और H2 को बढ़ाएंगे मतलब रिएक्टेंट को बढ़ाएंगे आप लोग, CO2 और H2 बेटा रिएक्टेंट है, तो क्या होगा इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, फॉरवर्ड डायरेक्शन। एंड मोर प्रोडक्ट CO एंड H2O, जब इक्विलिब्रियम जो है स्टेब्लिश है उसके बाद रिएक्टेंट के अमाउंट को बढ़ा रहे हैं, रिएक्टेंट के अमाउंट में इजाफा कर रहे हैं, जाहिर बात है रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ेगा तो क्या होगा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, रिएक्टेंट का अमाउंट को कम होना पड़ेगा, ठीक है। तो रिएक्टेंट के जो मालिक्यूल्स आपस में कोलाइड होकर क्या बना लेंगे प्रोडक्ट बना लेंगे, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ जाएगा रिएक्टेंट का अमाउंट कम हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा केसी रिमेन सेम, केसी क्या होगा सेम हो जाएगा, केसी की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये है रिएक्टेंट का अमाउंट, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं अगर रिएक्टेंट को बढ़ाएंगे तो क्या होगा इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, इन बैकवर्ड इक्विलिब्रियम किधर जाएगी बैकवर्ड जाएगी, एंड मोर रिएक्टेंट CO2 एंड H2 will produce, क्या मिलेगा CO2 मिलेगा और H2 मिलेगा, अच्छा बाय रिमूविंग प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे बेटा रिमूव किसको करेंगे प्रोडक्ट को, तो क्या होगा रिएक्शन फॉरवर्ड जाए, जब हम प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं चाहे CO को रिमूव करें H2 को रिमूव करें रिएक्शन किधर जाएगा इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉरवर्ड जाएगी इक्विलिब्रियम, कि अगर प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे बेटा ये प्रोडक्ट है उसको आप रिमूव करेंगे तो रिएक्शन किधर जाएगा फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। इसको रिमूव करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव करें स्टीम को रिमूव कर दें तो रिएक्शन किधर जाएगा फॉरवर्ड जाएगा और ज्यादा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये था इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन।
कल हमने डिस्कस कर लिया था, दोबारा मैं डिस्कस करवा कर लिया ये, ठीक है। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ द प्रेशर। अब इफेक्ट ऑफ द प्रेशर के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूं कि प्रेशर का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ गैसेस के ऊपर पड़ता है, लिक्विड पे सॉलिड पे असर नहीं पड़ेगा, उनके वॉल्यूम को काउंट भी नहीं करते हम, सिर्फ गैसेस के वॉल्यूम को काउंट करते हैं। ठीक है बेटा, प्रेशर का इफेक्ट, तो इंक्रीज इन प्रेशर, शिफ्ट इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स लेस वॉल्यूम, किधर जाएगा रिएक्शन? लेस वॉल्यूम की तरफ जाएगा, जहां पे वॉल्यूम कम होंगे वहां पे जाएगा रिएक्शन। इंक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स लेस वॉल्यूम, जहां पे वॉल्यूम कम होगा रिएक्शन उधर जाएगा, वो चीज बनेगी, फॉरवर्ड भी जा सकता है बैकवर्ड भी जा सकता है, जहां पे वॉल्यूम कम होंगे। सपोज करते हैं ये इक्वेशन है एन टू गैस, एच टू भी गैस है, अमोनिया गैस, दो वॉल्यूम चार वॉल्यूम, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड जाएगा, फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अगर प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उधर जाएगा जहां वॉल्यूम ज्यादा होंगे। प्रेशर को डिक्रीज करेंगे बैकवर्ड जाएगा, प्रेशर को डिक्रीज करेंगे रिएक्शन किधर जाएगा? बैकवर्ड। बैकवर्ड जाएगा फेवर द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया की डिकम्पोजिशन होगी, अमोनिया टूटेगा, एंड मोर रिएक्शन एन टू एच टू विल प्रोड्यूस। बेटा देखो, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उधर जाएगा जहां वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम लेस वॉल्यूम की तरफ। अच्छा, अगर प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा? प्रेशर को डिक्रीज करने से क्या होगा? शिफ्ट इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स लार्जर वॉल्यूम, लार्जर वॉल्यूम की तरफ जाएगा। तो जाहिर है इसमें प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो लार्जर वॉल्यूम रिएक्शन के हैं तो अमोनिया डिकम्पोज हो जाएगी। अमोनिया क्या हो जाएगी? डिकम्पोज हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद प्रेशर हैज नो इफेक्ट कब होगा? वॉल्यूम
of regional product are same. अगर रीजनल प्रोडक्ट वॉल्यूम सेम है तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. देखो ये N2 गैस है प्लस O2 ये भी गैस है, मिलकर 2NO बन गया, ये भी गैस है, दो वॉल्यूम, इसके भी दो वॉल्यूम, तो प्रेशर has no effect. प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. इसमें भी देख लो एच टू गैस, आई टू भी गैस, टू एच आई ये भी गैस है, दो वॉल्यूम, दो वॉल्यूम. No effect. मगर एसी क्वेश्चन ये है, देखो एच टू गैस आई टू सॉलिड, अब असर पड़ेगा प्रेशर का. दो वॉल्यूम, यहां पे एक वॉल्यूम है, सॉलिड का वॉल्यूम नहीं काउंट होता, प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा. प्रेशर को इंक्रीज करेंगे बैकवर्ड जाएगा रिएक्शन. बैकवर्ड जाएगी क्योंकि इस पर असर पड़ रहा है बेटा, सॉलिड है आई टू इसलिए. अब बात है इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, ये कल हमने डिस्कस नहीं किया था. बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के लिए अलग अलग होता है. जो इफेक्ट जो टेम्परेचर का है वो इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए अलग होगा और एक्सोथर्मिक के लिए अलग होगा. और अब सबको पता है कि इंडोथर्मिक जो होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और जितनी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे उतना रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है. बेटा देखो इंडोथर्मिक जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और जितनी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे उतना रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड में जाएगा इंडोथर्मिक का. तो अब इसका मतलब है टेम्परेचर का जब भी इफेक्ट लिखना हो आपको मतलब तो आपको देखना है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है. अगर एंडोथर्मिक है तो बेटा टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन की तरह जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा. देखो एंडोथर्मिक, और जिसकी एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, ये है तो फिजिकल चेंज की, मगर फिजिकल चेंज में भी आप लोगों को वैसे भी ऑब्जर्वेशन में है ये एक बात. इधर देखो H2O सॉलिड है ये आइस, बेटा ये फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज भले नहीं है मगर आपको पता तो है ना इसका कि H2O सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है H2O लिक्विड के अंदर, तो चेंज इंडोथर्मिक है. चेंज क्या है, डेल्टा एच के लिए पॉजिटिव होगी, और इसके दो एरो दिए हैं, फॉरवर्ड का एरो इंडोथर्मिक है, ये इंडो है, और बैकवर्ड एक्सो है. फॉरवर्ड क्यों इंडोथर्मिक मैं बता देता हूं, आइस का लिक्विड में तब्दील होना, आइस का पानी में तब्दील होना इंडोथर्मिक है, और पानी का वापस आइस में तब्दील होना ये एक्सोथर्मिक है. तो टेम्परेचर फेवर किसको करता है, इंडोथर्मिक को. याद कर लो टेम्परेचर किसको फेवर करेगा, इंडोथर्मिक को. टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड जाएगा रिएक्शन, खुद को ही पता है. टेम्परेचर जब बढ़ता है तो आइस मेल्ट होती है. बेटा टेम्परेचर को जब हम बढ़ाते हैं ना
तो ये जो आइस होती है वो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, पानी में तब्दील हो जाती है, फॉरवर्ड रिएक्शन जाता है। ये खुद को आप सबको पता है, ये ऑब्जर्वेशन है कि गर्मी ज्यादा होती है तो बर्फ पिघलती है और बर्फ पानी में तब्दील हो जाती है, रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है। तो एंडोथर्मिक क्या होगा बेटा, एंडोथर्मिक टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड जाएगा। हाँ टेम्परेचर को कम करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे तो वही पानी वापस बर्फ में तब्दील हो जाएगा। तो बेटा एंडोथर्मिक जो होते हैं, एंडोथर्मिक टेम्परेचर बढ़ाने से, अगर कोई भी रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से वो फॉरवर्ड जाएगा। इसको देख लो, ये फिजिकल चेंज है, इसलिए मैंने लिखी है कि बाकी रिएक्शन का तो आपको पता नहीं चल रहा, इसका तो खुद को पता है, आपका ऑब्जर्वेशन है कि बर्फ पिघलती है गर्मी से, हीट देने से। ठीक है, अब जब इसको आप हीट देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो बर्फ के जो ग्लेशियर्स होते हैं, बर्फ होती है वो पिघल जाती है, पानी में तब्दील हो जाती है, और जब सर्दी होती है ज्यादा तो वही पानी वापस बर्फ में तब्दील हो जाता है। ठीक है, तो ये एंडोथर्मिक चेंज है, ये देखो चेंज एंडोथर्मिक है, इसको देखो। तो याद कर लो बेटा, एंडोथर्मिक जो होते हैं, एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक डेल्टा एच के लिए पॉजिटिव, हीट एब्जॉर्ब होती है एंडोथर्मिक में, और टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, फॉरवर्ड केसी इंक्रीज, याद करो एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, केसी वैल्यू बढ़ती है, केसी वैल्यू डिपेंड ही टेम्परेचर पे करती है। याद कर लो, केसी की जो वैल्यू डिपेंड करती है वो टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन पे, प्रेशर पे, किसी पे डिपेंड नहीं करती, केसी वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और टेम्परेचर बढ़ाने से केसी वैल्यू बढ़ जाती है, देखो इंक्रीज हो गई। तो एंडोथर्मिक टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाते हैं, फॉरवर्ड जाते हैं, और टेम्परेचर को डिक्रीज करने से इक्विलिब्रियम किधर जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, और ज़्यादा केसी वैल्यू भी कम हो जाएगी, केसी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपको देखना ही है कि एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, बस टेम्परेचर का जब इफेक्ट देखो तो बाकी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। देखो डेल्टा एच की वैल्यू क्या पॉजिटिव है, तो एंडोथर्मिक को लिखा कैसे जाता है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन को लिखेंगे कैसे हम, इस तरह लिखा जाता है, ए प्लस बी प्लस हीट एरो ए बी, ये एंडोथर्मिक है। क्योंकि रिएक्टेंट साइड पर आपने हीट सप्लाई की है, या ए प्लस बी प्लस 60 जूल, इसका मतलब हीट 60 जूल है जो आपने सप्लाई की है रिएक्टेंट को, और ये बन गया ए बी, तो बी एंडोथर्मिक है, या ए प्लस बी ए बी, और जो हीट प्लस की लिखी हुई है ये बेटा हीट प्लस की लिखी है, इस तरफ जाएगी माइनस की हो जाएगी, माइनस हीट, तो भी बात एंडोथर्मिक की है, ये सभी एंडोथर्मिक की निशानियां हैं, माइनस हीट लिखा हुआ है, या ए प्लस बी ए बी, और ये प्लस का 60 जोल है, इधर जाएगा माइनस का 60 जोल हो जाएगा, तो भी बात एंडोथर्मिक है, या ए प्लस बी बन गया ए बी, और डेल्टा एच की वैल्यू प्लस 60 जूल है, तो भी एंडोथर्मिक है। तो ये सब निशान एंडोथर्मिक की है, ऐसी कोई भी कंडीशन इक्वेशन लिखी हो तो समझे एंडोथर्मिक है, और टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। अब देखो एग्जांपल इसकी, N2 गैस प्लस O2 गैस बन गया 2NO, ये भी गैस, ठीक है, डेल्टा एच के लिए पॉजिटिव है,
इसे भी लिख सकते हैं, या इधर रेटना साइड पर हीट लिखी हो तो भी इंडोथर्मिक, ये कंडीशन इंडोथर्मिक की है। अच्छा तो क्या होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर, शिफ्ट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा बेटा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड। एंड मोर प्रोडक्ट, NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस, वैल्यू ऑफ KC इंक्रीज, KC की इंक्रीज होगी टेम्परेचर बढ़ाने से। अच्छा डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज इन टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड, डिक्रीज करेंगे तो बैकवर्ड जाएगी। मोर एन टू एंड ओ टू विल प्रोड्यूस, रिएक्टर बेटा ज्यादा मिलेगा हमें, क्योंकि जब टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो जारी बात है हमें रिएक्टर मिलेगा ज्यादा। तो ये आपको देखना है कि रिएक्शन इंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है बेटा, टेम्परेचर का इफेक्ट ये लिखना है कि इंडो। अच्छा अब बताओ एनओ की फॉर्मेशन हो रही है हाई टेम्परेचर पे या डिकम्पोजिशन, तो हाई टेम्परेचर पे एनओ की फॉर्मेशन होगी, एनओ बनेगा, तो टेम्परेचर हाई करेंगे तो एनओ की फॉर्मेशन होगी क्योंकि फॉरवर्ड जाएगा, तो बेटा हाई टेम्परेचर फेवर द फॉर्मेशन ऑफ एनओ, हाई टेम्परेचर क्या करता है अमोनिया की एनओ की फॉर्मेशन करता है, और लो टेम्परेचर डिकम्पोजिशन करता है इसकी, लो टेम्परेचर करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा डिकम्पोजिशन हो जाएगी। बेटा तो डैच के लिए निक होगी, हीट क्या होगी रिलीज होगी, और एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड जाएगा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक क्योंकि वो हीट रिलीज करते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक क्या करता है हीट को रिलीज करता है। अब देखो ये एग्जांपल देखो, इससे पहले जो आपको मैंने पढ़ाई थी एग्जांपल इसको देख लो, इससे पहले और एक और इसको देख लो, इसका बैकवर्ड एक्सोथर्मिक है, ठीक है, और फॉरवर्ड एंडोथर्मिक है इसका। तो याद करो टेम्परेचर सिर्फ एंडोथर्मिक को फेवर करेगा, टेम्परेचर एंडोथर्मिक को फेवर करता है, तो टेम्परेचर फेवर एंडोथर्मिक, हाई टेम्परेचर एंडोथर्मिक, और लो टेम्परेचर फेवर एक्सो, लो टेम्परेचर फेवर एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक को कौन फेवर करेगा, लो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर लो करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, हाई करेंगे तो रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, मतलब इंडोथर्मिक को फेवर करेगा, इंडोथर्मिक को फेवर करता है। यहां देखो इंडोथर्मिक है, ये इंडोथर्मिक फॉरवर्ड की तरफ है, इसका मतलब इंडोथर्मिक को फेवर करेगा,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन में लो टेम्परेचर से फेवर करेगा, अगर लो टेम्परेचर करेंगे तो वही बर्फ जो पानी जो है वो बर्फ में तब्दील होगा बेटा, टेम्परेचर को लो करने से ये रिएक्शन ब्रेक पड़ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूं इधर, हाई टेम्परेचर से क्या होगा, एक्सोथर्मिक में हाई टेम्परेचर क्या करे क्या करे बेटा, एक्सोथर्मिक में जो हाई टेम्परेचर होगा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, फेवर करता है बैकवर्ड को, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड, बेटा टेम्परेचर को हाई करेंगे तो बैकवर्ड जाएगा, जो एक्सोथर्मिक है टेम्परेचर को हाई करने से बैकवर्ड जाता है, और लो टेम्परेचर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड, इक्विलिब्रियम किधर जाएगी फॉरवर्ड जाएगी, प्रोडक्ट बढ़ेगा लो टेम्परेचर पे, तो एक्सोथर्मिक में लो टेम्परेचर पे प्रोडक्ट बढ़ता है बेटा, एक्सोथर्मिक में लो टेम्परेचर पे प्रोडक्ट बढ़ता है और हाई टेम्परेचर पे रिएक्टेंट बढ़ता बैकवर्ड जाता है। तो अब एक्सोथर्मिक की निशानी क्या होगी, ए प्लस बी बन गया ए बी प्लस हीट, एक्सोथर्मिक हुई है, और जब एंडोथर्मिक में रिएक्शन साइड पे हीट लिखी थी हमने, ये एक्सोथर्मिक के बता रहे कि ए बी भी बना है और प्लस में हीट रिलीज भी हुई है, ए बी भी बना है और हीट रिलीज हुई है। अच्छा तो ए प्लस बी एरो ए बी प्लस 75 किलो जूल, इसका मतलब है ये इतनी हीट रिलीज हुई है 75, मतलब ए बी भी बना है और 75 किलो जूल हीट रिलीज भी हुई है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए प्लस बी, ये हीट इस तरफ जाएगी माइनस की हो जाएगी बेटा, ये हीट इस तरफ प्लस की लिखी हुई इस तरफ जाएंगे माइनस की हो जाएगी, ए प्लस बी ये हीट जो प्लस की लिखी हुई 75 यहां जाएगी माइनस की जाएगी भी, इसका मतलब इसमें 75 हीट जो रिलीज कर दी है इसने, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए प्लस बी एरो ए बी और डेल्टा एच की वैल्यू -75 किलो जूल है, तो ये भी एक्सोथर्मिक की निशानी है। तो इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन लिखी हो तो समझ जाओ एक्सोथर्मिक है, वो क्या है एक्सोथर्मिक है। अच्छा एग्जांपल N2 नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस और मिलकर अमोनिया बन जाती है, तो उसमें बेटा डेल्टा एच के लिए नेगेटिव है, डेल्टा एच के लिए नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक है। तो अब क्या होगा, अगर अमोनिया में टेम्परेचर बढ़ाएंगे बेटा, अमोनिया के अंदर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, एक्सो है ना, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम किधर जाएगी बैकवर्ड जाएगी, इधर लिख देता हूं मैं ये बेटा, अगर हाई टेम्परेचर करेंगे हम तो क्या होगा, फेवर
क्या करेगा ये फेवर करेगा अमोनिया के डिकम्पोजिशन के लिए, अमोनिया की डिकम्पोजिशन होगी। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, इन बैकवर्ड एंड मोर रिएक्टेंट एन टू एंड एच टू विल प्रोड्यूस। बेटा बैकवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाने से रिएक्टेंट ज्यादा मिल जाएगा हमें, अमोनिया की डिकम्पोजिशन। इसका मतलब हाई टेम्परेचर अमोनिया को डिकम्पोज कर देता है, लो टेम्परेचर अमोनिया की फॉर्मेशन करेगा। एक्सोथर्मिक के लो टेम्परेचर से अमोनिया की फॉर्मेशन होगी, वो इधर लिख देता हूं मैं। बेटा लो टेम्परेचर क्या करेगा, फेवर करेगा अमोनिया की फॉर्मेशन की। Equilibrium will shift in forward. ठीक है, रिएक्शन क्या कहां जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा एंड मोर NH3 will produce। क्या हो जाएगा, NH3 ज्यादा मिलेगा आपको, अमोनिया की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है अमोनिया की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे अमोनिया की फॉर्मेशन होगी क्योंकि एक्सोथर्म रिएक्शन। इसलिए याद कर लो एक्सोथर्म रिएक्शन जो होते हैं लो टेम्परेचर पे फॉरवर्ड जाते हैं, लो टेम्परेचर पे फॉरवर्ड जाते हैं और हाई टेम्परेचर पे बैकवर्ड जाते हैं। ठीक है, तो इन एक्सोथर्म रिएक्शन इंक्रीज इन टेम्परेचर ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे केसी डिक्रीज। बेटा एक्सोथर्मिक में जब टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो केसी वैल्यू डिक्रीज होगी ड्यू टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। जाहिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, रिएक्शन बैकवर्ड चला जाता है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, इसलिए केसी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है एक्सोथर्म रिएक्शन में जब हम टेम्परेचर को राइज करेंगे तो केसी वैल्यू कम होगी, केसी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं बेटा कंसेप्ट के हवाले से कि एक रिएक्शन है वो दिया जाएगा कि भाई एक्सोथर्मिक है ठीक है, उसके बाद उसकी केसी वैल्यू दी जाती है एक टेम्परेचर पे, उसके बाद उसकी केसी वैल्यू दूसरे टेम्परेचर पे दी जाती है। तो अगर एक्सोथर्मिक है और एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर को राइज करेंगे, बेटा एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर को राइज करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, केसी वैल्यू कम होगी, और इंडोथर्मिक में केसी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है। तो ये थे फैक्टर्स जो इफेक्ट कर रहे थे बैलेंस ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम को। बेटा इस तरह की बहुत सारी क्वेश्चंस और भी आ सकती हैं। अब देखो ये ऐसी क्वेश्चंस इसमें गिवन भी हैं इसके अंदर, और उनके अंदर इफेक्ट पूछा गया है के प्रेशर का क्या असर पड़ेगा। अब देखो ये के आई एक इक्वेशन ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड
गैस और प्लस स्टीम और ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस हाइड्रोजन और डेल्टा एच के लिए क्या है नेगेटिव की है वैल्यू दी गई नेगेटिव की वैल्यू गिवन है साइन नेगेटिव की है। अगर इंक्रीज इन टेम्परेचर करेंगे तो क्या होगा क्या होगा इंक्रीज इन टेम्परेचर एक्सोथर्मिक है ना ठीक है इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डेल्टा इज नेगेटिव रिएक्शन इज एक्सो जर एक्सोथर्मिक तो बैकवर्ड ही जाएगा एक्सोथर्मिक का बैकवर्ड जाएगा इंक्रीज करने से। अच्छा डिक्रीज इन टेम्परेचर क्या होगा फॉरवर्ड जाएगा इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगा फॉरवर्ड एंड मोर प्रोडक्ट ठीक है मोर प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा बनेगा। अब इसमें एक और चीज भी है के आई पोटेशियम आयोडाइड है ये सॉलिड में है ठीक है के आई एक्स बन गया सॉल्यूशन बन गया है और हीट ऑफ सॉल्यूशन वो वैल्यू कितनी है 21। अब क्या होगा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कम होगी बढ़ेगी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी आपके आई विल इंक्रीज सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि ये बेटा एंडोथर्मिक है एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ने से फॉरवर्ड जाता है फॉरवर्ड जाएगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी और दूसरा क्वेश्चन है कि लिथियम क्लोराइड लिथियम क्लोराइड सॉलिड में है ठीक है डेल्टा एच के लिए नेगेटिव है तो क्या होगा रिएक्शन ब्रेक पड़ जाएगा सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी ठीक है ठीक है टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज सॉल्युबिलिटी किसकी लिथियम क्लोराइड की डिक्रीज होगी बेटा लिथियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी क्योंकि एक्सोथर्मिक है रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी तो ये इफेक्ट था। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट
बेटा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का इफेक्ट तो याद कर लो, कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन द बैलेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता बैलेंस ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता। एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गई है, उसके बाद कैटलिस्ट इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि कैटलिस्ट जितना फॉरवर्ड रेट को बढ़ाता है उतना बैकवर्ड को। और दूसरी बात यह कि कैटलिस्ट क्या करता है, इक्विलिब्रियम को जल्दी एस्टेब्लिश करता है। ये बात कर नोट कर दो कि एक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गई है उसको जल्दी एस्टेब्लिश करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके जल्दी एस्टेब्लिश करता है, मगर एक स्टेबल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता। याद कर लो एक इक्विलिब्रियम स्टेबलिश है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसका मतलब है कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन द बैलेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ऑन द बैलेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं है बेटा बैलेंस ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम को। ठीक है, मतलब कैटलिस्ट इफेक्ट करेगा ही नहीं। ये बहुत अहम क्वेश्चन आ जाता है और बच्चे सोचते हैं कैटलिस्ट इफेक्ट करता है बैलेंस ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम को। बेटा बैलेंस ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करता। कैटलिस्ट जो है इंक्रीज करता है फॉरवर्ड रिएक्शन को भी और बैकवर्ड को भी, मगर इक्वली बढ़ाता है, इसलिए इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होती है, मगर इक्विलिब्रियम को जल्दी एस्टेब्लिश जरूर करता है। जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होती है तब, जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होती है तो उनको जल्दी वापस एस्टेब्लिश कर देता है, मगर एक एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता। अगर सपोज करते हैं एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है और कैटलिस्ट एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, कैटलिस्ट का अमाउंट बढ़ा देते हैं, तो इक्विलिब्रियम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगी। ठीक है, अब आते हैं एप्लीकेशन पे। बेटा देखो एप्लीकेशन ऑफ द ली चैटलर्स प्रिंसिपल, एप्लीकेशन या यूज कहते हैं। देखो ली चैटलर्स प्रिंसिपल के एप्लीकेशंस, देखो ली चैटलर जो प्रिंसिपल है वो रिवर्सिबल जो रिएक्शन है उन पर अप्लाई होता है, किसी प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी को इंक्रीज करने के लिए। सपोज करते हैं अमोनिया की फॉर्मेशन है इंडस्ट्री के अंदर, अमोनिया को बनाया जाता है, तो हम ली चैटलर्स प्रिंसिपल से हेल्प ले सकते हैं अमोनिया की फॉर्मेशन को इंक्रीज करने के लिए, प्रोडक्ट को इंक्रीज करने के लिए। या सल्फ्यूरिक एसिड है, कॉन्टेक्ट मेथड के तहत बनता है और जिसके अंदर जो अहम स्टेप है वो है सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में तब्दील करना, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में तब्दील करना वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में तब्दील करना रिवर्सिबल रिएक्शन है। और जिसके अंदर V2O5 को कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो वहां पे भी ली चैटलर्स प्रिंसिपल को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे और रिएक्शन हैं जहां पे इसकी एप्लीकेशन हैं। ठीक है, तो अब देखो जो इंडस्ट्री का ओनर है या मैन्युफैक्चरर है उसकी हमेशा ख्वाहिश होती है कि थोड़े टाइम में शॉर्टेस्ट टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट हासिल करे वो। ठीक है, तो ताकि इंडस्ट्री को फायदा हो, तो इसलिए वो हेल्प लेता है ली चैटलर्स प्रिंसिपल से भी और केसी की वैल्यू से भी, क्योंकि जाहिर बात है केसी से तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है रिएक्शन के बारे में। केसी की वैल्यू अगर हाई है तो समझे वैसे भी प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे हाई होगी, अगर केसी के लिए लो है इसका मतलब है जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगी तो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन लोअर होगी, और केसी मॉडरेट है तो भी पता चल जाता है कि भाई दरमियाना प्रोडक्ट होगा, दरमियाना प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन दरमियानी होगी इक्विलिब्रियम पे। तो बेटा एक तो केसी से हमें नॉलेज मिलती है इक्विलिब्रियम के बारे में, और दूसरा ली चैटलर्स प्रिंसिपल से हम हेल्प लेकर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। तो ये ली चैटलर्स प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाता है। इसके अंदर जो एप्लीकेशंस दी गई हैं हमारे बुक्स के अंदर वो दो हैं, एक हेबर प्रोसेस के अंदर, हेबर प्रोसेस अमोनिया की फॉर्मेशन के अंदर, और दूसरा कॉन्टेक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन के अंदर। मगर कोई हेबर प्रोसेस या कॉन्टेक्ट प्रोसेस के अलावा भी अगर कोई हो क्वेश्चन, तो ये होगा कि सपोज करते हैं
एक मैन्युफैक्चरर है, एक इंडस्ट्री का ओनर है, एक चीज बनाना चाहता है तो वो तो चाहेगा कि वो चीज बने, इसलिए वो सारे मेथड्स वही अप्लाई करेगा जिसकी वजह से उसी प्रोडक्ट की कंसम्पशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, जिसको वो बनाना चाहता है, ठीक है। तो ये होगा, उसी को देखकर हम उसका जवाब दे सकते हैं कि भाई किस चीज की कंसम्पशन को हमने बढ़ाना है। सपोज कहते हैं हाइपर प्रोसेस में अमोनिया की कंसम्पशन बढ़ाना है, तो हमारा फोकस क्या होगा कि अमोनिया की कंसम्पशन बढ़े, ऐसे मतलब मेथड्स अप्लाई करें ताकि जिसमें अमोनिया की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाए। तो देखो ली चेटलर्स प्रिंसिपल को यूज किया जाता है, एक तो हाइपर प्रोसेस में, हाइपर प्रोसेस, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया की फॉर्मेशन। यूज इन कॉन्टेक्ट प्रोसेस, फॉर द प्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। तो पहले आते हैं हेबर प्रोसेस पे। हेबर प्रोसेस, अब हेबर प्रोसेस में नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, मिलकर अमोनिया बनाते हैं, रिएक्शन रिवर्सिबल है, डेल्टा एच के लिए नेगेटिव है, आयरन को कैटलिस्ट यूज करते हैं, ठीक है, आयरन के अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी ऐड कर देते हैं और पोटेशियम ऑक्साइड भी ऐड कर देते हैं, मतलब आयरन इसके अलावा इसके अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी ऐड करते हैं और पोटेशियम ऑक्साइड भी ऐड करते हैं एज ए प्रोमोटर, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है बेटा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड इसके अंदर यूज किया जाता है प्रोमोटर के तौर पर, ठीक है। अब एक इंडस्ट्री है जो अमोनिया गैस बना रही है, अच्छा वो चाहेगी कि अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, अमोनिया का अमाउंट बढ़ जाए, प्रोडक्शन अमोनिया की बढ़े, तो जाहिर है पहले इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन कि भाई कंसंट्रेशन का असर पड़ता है अमोनिया के ऊपर, नहीं, हाँ बिल्कुल असर पड़ेगा कि जब हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे अकॉर्डिंग टू ली चेटलर्स प्रिंसिपल रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और अमोनिया की प्रोडक्शन बढ़ेगी। हाँ अकेले रिएक्टेंट बढ़ाने से कोई फायदा होगा? हाँ अकेले रिएक्टेंट को बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड तो जरूर जाएगा, मगर उस हद तक नहीं जाएगा जिससे हमें फायदा हो, जिससे हमें बेनिफिट हो। अगर सपोज कहते हैं अकेले नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, अमोनिया बनेगा, मगर उस हद तक नहीं बनेगा अमोनिया जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जितना हमें फायदा जो है वो इकोनॉमिकल फायदा हो, उसी हिसाब से हमें फायदा नहीं होगा, इसलिए हमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों को बढ़ाना पड़ेगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को दोनों को हम बढ़ाएंगे, ठीक है, 1:3 में ड्यूरेशन के दर जाएगा, फार बढ़ जाएगा और अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन में क्या होगा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने से रिएक्शन के दर जाता है, फार बढ़ जाता है और अमोनिया की प्रोडक्शन बढ़ती है। तो पहले इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, तो लिखा है कि बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन इन 1:3, अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे 1:3 में, 1 मोल नाइट्रिक एसिड का, 3 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, तो बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड H2 इन 1:3,
इन फॉरवर्ड एंड मोर इन हिस्ट्री विल बी अपटेन. अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन को बढ़ाएंगे हम, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम बढ़ाएंगे 1:3 में, तो बेटा रिएक्शन की तरह जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, और फॉरवर्ड जाने से क्या होगा, अमोनिया की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी, अमोनिया का अमाउंट बढ़ जाएगा, अमोनिया की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी. सेकंड बात, वो है रिमूवल ऑफ अमोनिया. ठीक है, अमोनिया जितनी बनती जाए उसको रिमूव करते जाएं, अमोनिया जितनी बनती जाए उसको कंटिन्यूसली रिमूव करते जाएं. कुछ टाइम पीरियड के बाद अमोनिया को जितना आप रिमूव करते जाएंगे उतना रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि ये है एक ली चिटलस प्रिंसिपल कहता है, जब प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है. ठीक है, तो अमोनिया की कंसेंट्रेशन को टाइम टू टाइम अगर आप रिमूव करते जाएंगे, टाइम टू टाइम सपोज करते हैं कुछ ड्यूरेशन के बाद अमोनिया को आप रिमूव करते जाएंगे, तो जितनी अमोनिया बनती जाएगी उसको रिमूव करते जाएंगे तो क्या होगा, मजीद ज्यादा अमोनिया बनती जाएगी. तो ये होगा कि मुसलसल आपको विथड्रॉ करना पड़ेगा अमोनिया का अमाउंट, मुसलसल आपको अमोनिया रिमूव करनी पड़ेगी, कंटिन्यूसली अमोनिया को रिमूव करेंगे तो बाय रिमूवल ऑफ अमोनिया रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड. अमोनिया को रिमूव करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा. जितने अमोनिया रिमूव करेंगे उतना रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, उतना रिएक्शन कंज्यूम होगा, उतना प्रोडक्ट बनाएगा, मजीद प्रोडक्ट बनता जाएगा, तो मुसलसल अमोनिया को रिमूव करना पड़ेगा, अमोनिया को विदड्रॉ करना पड़ेगा. तो ये था इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, एक तो रिएक्शन का अमाउंट बढ़ाएं और जितना प्रोडक्ट बनता जाए उसको साथ साथ रिमूव करते जाए, उस हिसाब से अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी. सेकंड है बेटा, वो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट. तो पहले देखें बता चुके हैं कि प्रेशर का इफेक्ट वॉल्यूम को देखकर बताया जाता है. बेटा प्रेशर का इफेक्ट के लिए आपको वॉल्यूम देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम कितने हैं. अब देखो N2 गैस, H2 गैस, इसके दो वॉल्यूम हैं, इसके चार वॉल्यूम हैं. तो इसका मतलब है हाई प्रेशर जो है फेवर करेगा फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की. देखो हाई प्रेशर फेवर किसकी करेगा, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की. जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड में जाएगा, उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा. तो हाई प्रेशर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, बेटा जो हाई प्रेशर है वो फेवर करता है अमोनिया की फॉर्मेशन को. जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना अमोनिया की फॉर्मेशन बढ़ेगी. और इसमें एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कौन से प्रेशर है जिसमें अमोनिया की फॉर्मेशन ज्यादा मिलेगी हमें, तो उसमें देख लेना कि जो हाई में हाई प्रेशर हो. यहाँ पे जो प्रेशर दिया गया वो 200 से 300 एटमॉस्फेयर तक दिया गया है, 200 से 300 एटमॉस्फेयर यहाँ पे दिया गया. मगर सिंध के सिलेबस में शायद उसकी जो लिमिट बताई गई मुझे लगता है 500 है या 1000 तक है, कि यहां तक भी लेकर जा सकते हैं इस लिमिट को, मगर वो बहुत ही हाई प्रेशर होगा. ठीक है, तो रेंज जो प्रेशर की है, देखो तो बेटा प्रेशर की रेंज, ये बताई गई है 200 से
300 में से। ये 200 से 300 में से दोनों बुक्स में रेंज है, मतलब फेडलर की बुक में भी इतनी रेंज दी गई है, जो फेडलर की बुक है उसमें भी, ठीक है, 400 तक भी है। ठीक है, एटमॉस्फेयर तक रेंज है ये, मतलब ये बहुत हाई प्रेशर है। इतना प्रेशर देंगे तो क्या होगा, रिएक्शन उधर शिफ्ट होगा जहां वॉल्यूम कम होगी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बना लेंगे, क्योंकि रिएक्शन जो है वो उस साइड पे जाता है, इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होती है जहां पे लेस वॉल्यूम होते हैं। तो लेस वॉल्यूम देखो प्रोडक्ट साइड पर है, प्रोडक्ट साइड पर वॉल्यूम कम है, तो जितना ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो रिएक्शन उतना प्रोडक्ट साइड पर जाएगा, उतना फॉरवर्ड जाएगा, उतना लेस वॉल्यूम की तरफ जाएगा वो। तो इसका मतलब है जो प्रेशर होगा अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए वो हाई रखा जाएगा। तो अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, हाई प्रेशर की है। अब आते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, एक्सोथर्म रिएक्शन। बेटा अमोनिया की जो फॉर्मेशन है वो एक्सोथर्मिक है, अमोनिया की जो फॉर्मेशन है एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज होती है। देखो अमोनिया की फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, डेल्टा एच के लिए नेगेटिव, नेगेटिव की कोई वैल्यू होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो लो टेम्परेचर फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में लो टेम्परेचर जो है फेवर करता है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग According to Lee-Chatelain's principle, low temperature favor the formation of ammonia. Low temperature पर ammonia की yield बढ़ेगी, मगर यहां एक बात है, लो टेम्परेचर अमोनिया की फॉर्मेशन की फेवर करता है, मगर यहां एक बात है कि लो टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है, लो टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है। और अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन जब स्लो होता है तो इकोनॉमिकली इतना बेनिफिट नहीं होता इंडस्ट्री वाले को इकोनॉमिकली इतना फायदा होता नहीं है इससे। ठीक है, फिर वो क्या करता है, टेम्परेचर को हाई रखता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 400 से 450 तक दिया गया है, 400 से 450 तक, कहां 400 से 500 तक भी बात की गई है कि इतना टेम्परेचर रखा जाता है, इतना टेम्परेचर रखते हैं और इतने टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो हाई टेम्परेचर क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, यील्ड को कम कर देगा, यील्ड कम हो जाएगी मगर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। इसलिए हाई रेट ऑफ रिएक्शन इज मोर बेनिफिशियल देन हाई यील्ड। मगर यहां दो चीजें हो जाती हैं, हाई यील्ड हासिल करनी है बेटा, यील्ड को बढ़ाना है तो लो टेम्परेचर कर दो, हाई यील्ड करनी है तो लो टेम्परेचर, अगर हाई रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए तो हाई टेम्परेचर। तो इंडस्ट्री वाला तो जाहिर है फायदा को देखेगा, अपने मुनाफे को देखेगा। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है, तो हाई रेट है वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है किससे, हाई यील्ड से। तो बेटा जो लो टेम्परेचर है इस पे यील्ड तो अमोनिया की ज्यादा मिलेगी मगर रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह बाकी जो रिमेनिंग है बेटा वो इवनिंग वाली क्लास में देख लेंगे।